और जेवलिन के बाहुबली नीरज चोपड़ा की जीत का जश्न ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन करके फौरन नीरज चोपड़ा को बधाई दी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि पानीपत ने पानी दिखा दिया। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस दो दिन का है, वही था कि बस ये मेरा लास्ट सबसे लास्ट ये है कि मैं इंडियन में तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना और तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज़्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है जी। नहीं बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम बैक। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। जो सबसे जरूरी था मेरे स्पोर्ट्स कैरियर का और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे भविष्य प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज्यादा ऊपर जाएगा और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी है, आप तो फौजी है इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। बिल्कुल, जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी, और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा किशन जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन की। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। तो अभी तो ये जश्न आगे भी लगातार यूं ही जारी रहेगा, कल जब नीरज चोपड़ा की वापसी होगी तब आएगी देश की सबसे शानदार तस्वीर। इस बीच आपको ये भी बता दें कि नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल के बाद पीएम मोदी की पुरानी स्पीच वायरल हो रही है। पीएम मोदी का वो 8 साल पुराना वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा था ये आपको सुनवाएंगे। सेना के जवानों को ट्रेनिंग मिले तो वो ही 5 से 10 मेडल ला सकते हैं। हालांकि गुजरात का सीएम रहते हुए उन्होंने ये स्पीच दी थी जो अब नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद तेजी से वायरल हो रही है। क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, दिखना देश ये कह गया। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है,
लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता है? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पर रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दी जाए। मैं बताता हूं मित्रों, 5-7-10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर आ सकते हैं। तो 14 जुलाई 2013 को पीएम मोदी ने गुजरात का सीएम रहते हुए ये स्पीच दी थी जो अब वायरल हो रही है। वैसे पीएम मोदी की बात में दम भी है, सेना से जुड़े लोगों का ओलंपिक में शानदार रिकॉर्ड भी रहा है। क्या ये रिकॉर्ड रहा है वो आपको आइए तफसील से यहाँ पर बताते हैं। देखिए चार तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मेडल के मैदान में सेना मेजर ध्यानचंद्र, राज्यवर्धन राठौर का जिक्र यहाँ पर करें, विजय कुमार का जिक्र करें और अब नीरज चोपड़ा जिन्होंने जेवलिन थ्रो में ये जीत हासिल की है। तो अलग अलग क्षेत्र में हॉकी शूटिंग में विजय कुमार और साथ ही जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत कर ये साबित कर दिया कि वो जवान सेना से जुड़े होने के बावजूद भी किस तरह से अपने जज्बे हौसले के बदौलत आगे बढ़ते हैं और आखिरकार जीत हासिल करके देश का नाम रोशन करते हैं। और गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने क्या कुछ कहा वो आपको यहां पर बताएंगे। बड़ी खबर, देश के लिए गोल्ड जीतना गर्व की बात है। जब तक मेडल नहीं मिला मन में हलचल थी, नीरज चोपड़ा ने यह भी कहा। फाइनल में आखिरी पल तक बेचैनी थी, सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल हो पाएगी, इतनी बड़ी कामयाबी यहां पर मिल पाएगी। नीरज चोपड़ा ने अपने मन की बात यहां पर की है, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। थ्रो छोड़ने के बाद जो एक्शन होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि ये गोल्ड मेडल है। देखो जी, अगर सही बताऊं तो मतलब दिमाग में तो ये था कि हाँ अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है ओलंपिक में, लेकिन जब तक गोल्ड फाइनल नहीं हो गया लास्ट थ्रो तक, तब तक मैंने बिल्कुल भी ऐसे दिमाग बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया था कि भाई हाँ अपना गोल्ड हो गया है और मैं बस रिलैक्स छोड़ दूं, क्योंकि जो बाकी और थ्रोअर थे वो काफी अच्छे थ्रोअर थे, वो कभी भी वो थ्रो निकाल सकते थे। तो मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है कंपटीशन के अंदर, और जब लास्ट थ्रो उनका सभी का हो गया और मेरा लास्ट थ्रो बचा था, तब मुझे हो गया था कंफर्म कि हाँ अपना गोल्ड हो गया पक्का, और उसके बाद ही मैंने सेलिब्रेशन किया। बिल्कुल। और नीरज भाई, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जब आपने शुरुआत करी थी अपने इस स्पोर्ट की, सिर्फ पापा से भी बात हुई थी, वही बता रहे थे, हमने पहले भी बहुत बारी बात करी हुई है कि वेट लूज करने से सफर शुरू हुआ था और पहुंचा कहा गोल्ड मेडल, पोडियम फिनिश ऑफ ओलंपिक्स, ये इसको कैसे देखते हैं आप? देखो जी, मैं सही बताऊं तो ऐसा कोई, जब मैं स्टेडियम में गया तो ऐसा कोई दिमाग में था ही नहीं कि मुझे स्पोर्ट्स भी करना है या फिर मैं कभी देश के लिए खेल लूंगा या इस लेवल पे मेडल जीत लूंगा। बस ये मैं मानता हूँ कि बस भगवान का शुक्रिया है और भगवान का ऐसा लगता है कि पहले से प्लानिंग थी, कि क्योंकि ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया, गांव में भी कोई माहौल नहीं था स्पोर्ट्स का, तो ये बस इत्तेफाक था कि मैंने ऐसे स्टेडियम में गया मैं और मैंने जेवलिन थ्रो करना शुरू किया, तो ये सब भी बस होना ही था और बस मैंने अपना दिल से मेहनत की और जो मेरे सीनियर्स थे और जो भी स्पोर्ट रही है सभी की, तो वो काफी अच्छी रही है, तो मुझे लगता है उसके कारण ही आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो चलिए, अब सभी को इंतजार है नीरज चोपड़ा के भारत वापसी का, क्योंकि जैसे ही वो पहुंचेंगे तो एक शानदार तस्वीर सामने आएगी।